हेलो क्लास के जी सेकेंड, आज हम आपकी क्वार्टरली एग्ज़ाम की मैथ्स की वर्कशीट कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसके लिए आप अपने स्कूल के जो एग्ज़ाम पेपर्स हैं उसका मैथ्स की वर्कशीट ले लीजिए। जो अभी तक स्कूल से मैथ पेपर्स लेकर नहीं गए हैं वो पेरेंट्स स्कूल आकर अपने बच्चों के पेपर लेकर कंप्लीट करवा कर स्कूल में सबमिट करें। अब आपका जो मैथ्स का पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं, पेरेंट्स ध्यान दें, पहले तो आप उनका बच्चों का रिवीजन बहुत अच्छे से करवा दें, उसी के बाद आप इस वर्कशीट को स्टार्ट करें। पेरेंट्स ब्लू पेन की हेल्प से ऊपर फुल नेम क्लास राइट कर इसे कंप्लीट करें। आफ्टर दैट आपको क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं यहाँ आपको दिया हुआ है, राइट द मिसिंग नंबर्स, यानी कि आपको यहाँ पर मिसिंग नंबर्स राइट कर कंप्लीट करने हैं। आपको काउंटिंग्स दी हुई हैं, बच्चों को अभी तक हमने 100 तक की काउंटिंग बहुत अच्छे से आती ही है, तो आपको वही उनसे यहाँ पर राइट करवानी है। आप देख सकते हैं आपको फर्स्ट दिया हुआ है 17, उसके बाद आपको 1, 2, 3, 4 ब्लैंक दिए हुए हैं, तो 17 के बाद वाले 4 नंबर्स आपको यहाँ पर राइट करना है 17 के बाद। तो आप बच्चों से काउंटिंग के थ्रू भी यहाँ राइट करा सकते हैं, आप उनसे काउंटिंग करवाते जाइए और 17 के बाद के एक एक नंबर आप राइट करवा दीजिए। देन बीच में आया आपका 22, तो 17 से 22 तक काउंटिंग कंप्लीट होने के बाद 22 आफ्टर एंड भी आप यहाँ पर राइट कर उन्हें कंप्लीट करवा सकते हैं। सेकेंड है आपका 3, तो आपको 1 से काउंटिंग स्टार्ट कीजिए, 1, 2, 3, फिर 3 के बाद वाला नंबर, देन फिर आपका आ गया 6, फिर 6 आफ्टर, फिर आफ्टर, देन 9 एंड आफ्टर नंबर राइट करवाते हुए। आपको बीच में ये जो नंबर्स दिए हैं वो हेल्प के लिए दिए हुए हैं, तो आप एग्जैक्ट नंबर से काउंटिंग स्टार्ट करवा कर काउंट करवाते हुए इन्हें लिखवाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थर्ड है आपका 26, तो देन आपको 26 आफ्टर नंबर्स, 31 तक राइट करवाइए, फिर 31 के आफ्टर नंबर आपको काउंट करवा कर यहाँ पर जितने स्पेस आपको दिए हुए हैं वो स्पेस में आपको नंबर फिल करवा कर इसे कंप्लीट करवाना है। फोर्थ है आपका 39, तो आपको 39 से 46 तक काउंटिंग कंप्लीट करवानी है, जिसमें आपको बीच में 43 नंबर दिया हुआ है, तो आप ध्यान रखिए यहाँ पर ये जो मिसिंग नंबर्स आपको दिए हुए हैं आप काउंटिंग के थ्रू उनसे यहाँ पर राइट करवा सकते हैं। अगर उन्हें प्रॉब्लम है तो पहले आप उनकी 1 to 100 प्रॉपर काउंटिंग कंप्लीट करवा दीजिए, उसके बाद आप उसे यहाँ पर सॉल्व करवा सकते हैं। सेकंड आपको दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन, काउंट एंड राइट द नंबर्स, यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, आपको एक एक पिक्चर पर फिंगर टैप करवाते हुए सारी पिक्चर्स बच्चों से काउंट करवानी है। देन जो करेक्ट आंसर आपका जो आ रहा है उस करेक्ट आंसर को आपको इस बॉक्स में राइट करवा कर कंप्लीट करवाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको काइट्स की पिक्चर दी हुई है, यहाँ पर ये सारी काइट्स आपको वह एक एक कर बच्चों से काउंट करवानी है, देन इस बॉक्स में राइट कर कंप्लीट करना है। सेकेंड आपको दी हुई है बॉल्स, आपको ये बॉल्स काउंट कर यहाँ पर जो करेक्ट डिजिट है वो बॉक्स में राइट करना है। एज इट इज़ नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मैंगोज, आपको ये मैंगोज एक काउंट करने हैं, देन आपको यहाँ बॉक्स में आंसर राइट कर कंप्लीट करना है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ द पिक्चर्स फॉर गिवन नंबर्स, आपको यहाँ पर पिक्चर्स ड्रॉ करनी है जो नंबर आपको यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि फर्स्ट है आपका सन, यहाँ पर आपको सन की पिक्चर्स ड्रॉ करनी है। अब कितनी पिक्चर्स ड्रॉ करनी है, तो आपको ऊपर डिजिट दिया हुआ है 12, तो आपको यहाँ पर टोटल 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बॉक्सेस काउंट करते हुए आपको 12 सन की पिक्चर्स यहाँ पर ड्रॉ कर कंप्लीट करना है, यानी कि आपको टोटल 12 सन की पिक्चर ड्रॉ करनी है। सेकंड है आपका 9 क्लाउड्स, यानी कि आपको क्लाउड्स की पिक्चर ड्रॉ करनी है टोटल 9, यानी कि आप 9 बॉक्सेस काउंट कर लीजिए पहले और फिर आपको 9 बॉक्स में क्लाउड्स मैच की पिक्चर ड्रॉ कर कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 7 ट्रीज, यानी कि आपके ये जो कोकोनट ट्रीज दिए हुए हैं आपको उनकी टोटल 7 पिक्चर्स ड्रॉ कर कंप्लीट करना है।
तो यहाँ पर जो ड्रॉ द पिक्चर्स फॉर गिवन नंबर्स आपको दिया हुआ है, आपको काउंट करते हुए जो भी गिवन नंबर आपको जो दिया हुआ है उतने पिक्चर्स यहाँ पर ड्रॉ कर इस पोर्शन को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, सर्कल द ग्रेटर नंबर इन ईच रो। सर्कल द ग्रेटर नंबर यानी कि आपको सर्कल लगाना है, ग्रेटर नंबर यानी कि जो सबसे बड़ा नंबर है इन ईच रो। आपको एक लाइन के सारे नंबर्स अच्छे से रीड करना है, अपने बच्चों को समझाने हैं, बच्चों से रीड करवाने हैं, देन उसके अंदर जो सबसे ग्रेटर नंबर है, ग्रेटर नंबर यानी जो सबसे बड़ा नंबर है उसके ऊपर आपको सर्कल लगवाना है। जैसे कि फर्स्ट रो है आपकी 11, 7, 25, 2, 13, 20 एंड 29। इन सारे नंबर्स में जो नंबर सबसे ग्रेटर नंबर है आपको वो ग्रेटर नंबर पर सर्कल लगाकर कंप्लीट करना है, यानी 11, 7, 25, 2, 13, 20 एंड 29 में जो सबसे बड़ा नंबर है आपको उस पर सर्कल लगाकर कंप्लीट करना है। देन आपका सेकेंड है 8, 15, 35, 12, 45, 17 एंड 26। आपको इन सारे नंबर्स में जो भी सबसे ग्रेटर नंबर यानी बड़ा नंबर है आपको सर्कल करना है। थर्ड 13, 28, 9, 4, 12, 18 एंड 10। इन सभी में जो भी सबसे ग्रेटर नंबर है, ओनली वन नंबर आपको, जो सबसे वन ग्रेटर नंबर है आपको उसे सर्कल करना है। देन फोर्थ है आपका 50, 10, 16, 39, 40, 45 एंड 30। आपको ये सारे नंबर्स में जो सबसे वन ग्रेटर नंबर है आपको उसे सर्कल कर कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर आपका केजी सेकंड का मैथ्स का पेज का, मैथ्स का जो पेपर की वर्कशीट का पेज नंबर 1 है वो कंप्लीट होता है। आप सभी अपना पेपर टर्न कर लीजिए। आपके सेकंड पेज पर आपको आगे के क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है आपको, राइट काउंटिंग फ्रॉम, यानी कि आपको यहाँ पर काउंटिंग राइट करनी है, जो कि आपका नंबर है 27 टू 35। यानी कि आपको यहाँ पर ये जो बॉक्सेस दिए हुए हैं इसमें 27 से काउंटिंग स्टार्ट करनी है, 35 तक आपको काउंट करते हुए लिखना है। यानी कि आपको अपने बच्चों से 27 से काउंट करवाना स्टार्ट करना है 35 तक, और आपको एक एक बॉक्स में वो नंबर राइट कर कंप्लीट करना है। सेकंड है आपका 15 टू 24, यानी कि आपको 15 से लेकर 24 तक के नंबर्स राइट करने हैं। आपको फर्स्ट बॉक्स में 15 राइट करना है, देन उसके आगे आपको काउंट करते हुए लास्ट में 24 नंबर तक जाकर उसे कंप्लीट करवाना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, राइट रिवर्स काउंटिंग फ्रॉम 35 टू 6। यहाँ पर आपको रिवर्स काउंटिंग यानी बैकवर्ड काउंटिंग, उल्टी गिनती जिसे कहते हैं, आपको वो राइट करवानी है 35 से लेकर 6 तक। यानी 35 से आपको बैकवर्ड काउंटिंग करते हुए 6 तक आना है, और ये 3 रोज में आपको बैकवर्ड काउंटिंग कंप्लीट करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाने के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर आप आ जाइए। यहाँ पर आपको दिया हुआ है राइट जस्ट आफ्टर नंबर, यानी कि आपको आफ्टर नंबर यानी बाद वाले नंबर्स राइट करने हैं, जिसमें आपको पहला दिया हुआ है 50, तो 50 आफ्टर इज, तो आप काउंटिंग के थ्रू यहाँ पर कंप्लीट करवा सकते हैं 50 आफ्टर, यानी कि 50 के बाद वाला नंबर अब कौन सा आएगा। एज इट इज सेकेंड आपको दिया हुआ है 35, थर्ड है 44, फोर्थ 21, फिफ्थ 10 एंड सिक्स्थ इज 27। आपको इन सभी नंबर्स के बाद वाला नंबर राइट करवा कर कंप्लीट करवाना है, यानी कि इन सभी के बाद वाला आफ्टर नंबर आपको यहाँ पर राइट कर कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें
राइट जस्ट बिफोर नंबर, बिफोर मीन्स आगे वाला या पहले वाला नंबर, आपको जो नंबर्स दिए हुए हैं उनके पहले वाला नंबर आपको राइट कर कर कंप्लीट करना है। पहला आपको यहाँ पर दिया हुआ है 11, यानी कि 11 का जो बिफोर नंबर है आपको वो राइट करना है। सेकंड है आपका 38, थर्ड है 30, फोर्थ 47, फिफ्थ 50 एंड 66। तो आपको ये सारे नंबर्स का बिफोर नंबर यानी कि आगे वाला नंबर राइट करते हुए यहाँ पर कंप्लीट करना है। आप रिवर्स काउंटिंग या बैकवर्ड काउंटिंग की हेल्प से भी इसे इजीली कंप्लीट करवा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, जो है आपका राइट बिटवीन नंबर्स। अब बिटवीन मीन्स होता है बीच वाला नंबर, तो यहाँ पर अगर आफ्टर नंबर, जो कि बच्चों के लिए ज़्यादा आसान होते हैं, आप उनकी हेल्प से भी यहाँ कंप्लीट करवा सकते हैं। फर्स्ट आप देख सकते हैं 38 एंड 40 आपको दिया हुआ है, जिसका बिटवीन नंबर आपको राइट करवाना है। देन 38, तो आप काउंटिंग करवा लीजिए 38 आफ्टर, आपको फिर नया नंबर राइट करवाना है। फिर 39, जो भी नंबर आप यहाँ राइट कराएँ उसका बैकवर्ड, और आप पूरी काउंटिंग एक साथ बोलकर भी चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं। सेकंड है आपका 9-11, तो आप काउंटिंग के थ्रू 9 आफ्टर नंबर यहाँ राइट करवा कर बिटवीन नंबर सॉल्व करवा सकते हैं। थर्ड है आपका 16 आफ्टर, देन 21 आफ्टर एंड 23 बिफोर। फिफ्थ 45 आफ्टर एंड 47 बिफोर। एंड सिक्स्थ इज 27 आफ्टर एंड 29 बिफोर नंबर, आपको यहाँ पर राइट कर कर उसे कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, रीड द नंबर नेम एंड सर्कल ऑन करेक्ट वन, यानी कि आपको यहाँ पर नंबर्स की स्पेलिंग्स दी हुई हैं, आपको वो स्पेलिंग्स को रीड करना है, और रीड करने के बाद जो करेक्ट नंबर है उसके ऊपर सर्कल लगा कर इसे कंप्लीट करना है। आप यहाँ देख सकते हैं आपको स्पेलिंग दी हुई है EIGST 8। अब यहाँ पर आपको एक एक नंबर अपने बच्चों से रीड करवाना है, और जो 8 नंबर यानी कि जो 8 की स्पेलिंग याद दी हुई है आपको उस नंबर पर सर्कल लगा कर इसे कंप्लीट करना है। एज इट इज़ सेकेंड FIVE 5, तो आपको उनसे पूछना है कि इन तीनों नंबर में से जो भी नंबर 5 है आपको उस पर सर्कल लगा कर इसे कंप्लीट करना है। थर्ड 2, फोर्थ है 1, फिफ्थ है 3 एंड सिक्स्थ है आपका 10। आपको ये सारे नंबर्स पर सर्कल लगवा कर उनसे कंप्लीट करवाना है। आप पहले उनसे स्पेलिंग पढ़वाइए, फिर जब वो स्पेलिंग प्रोनाउंस करें, फिर आपको ये 3 नंबर्स उनसे रीड करवा कर जो भी करेक्ट स्पेलिंग करेक्ट डिजिट हो उस पर सर्कल लगा कर आपको ये पेपर कंप्लीट करना है। ध्यान रखिएगा कि पेपर सॉल्व करने से पहले आप अच्छे से पहले उसका रिवीजन करवा दें, उसके बाद ही आप उन्हें पेपर सॉल्व करवाएं।